तो गाइज अभी इसका करते हैं अनबॉक्सिंग। वाओ, तो गाइज अब हमारा ट्रैक्टर का मेन पार्ट यानी मेन स्टिकर लगने जा रहा है। रही क्या वाला के है नहीं कितना हम रोए वो लगे ना ना तो देखिए गाइस, फिलहाल हमारा यहाँ पर ट्रैक्टर का कलर फाइनल हो चुका है और अब स्टिकर चलाने का लगाने का काम चल रहा है। तो यहाँ पे हमने स्टिकर लगा दिया और यहाँ पर भी देखिए हमने अच्छी तरीके से स्टिकर लगा दिया। बहुत बेस्ट, बहुत अच्छा, बढ़िया लग रहा है ट्रैक्टर। तो चलो यहाँ पे भैया लगा रहा है किस तरह से। तो दूसरा स्टिकर हमारा गाइज बढ़िया तरीके से लग चुका है फाइनल। और बहुत बहुत ध्यान करके करने के बाद, रखने के बाद इसको लगाया जाता है ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। वाह, तो देखिए गाइज कितना अच्छी तरीके से स्टिकर लगा। तो हमारा दूसरा स्टिकर भी फाइनल हो चुका है रेडी। तो देखिएगा जिस तरीके से हमारा दूसरा स्टिकर भी बहुत अच्छा और बढ़िया तरीके से लग चुका है फिलहाल। वाओ, एकदम बढ़िया गाइज। अभी इस कागज को हटाना बाकी है लेकिन पहले उस साइड करने के लिए जाना है, तो पहले उस साइड करके आते। वाओ, अब ट्रैक्टर लगेगा कि शायद बहुत बढ़िया। इसको गाइज इतना ध्यान से लगाना पड़ता है कि बीच में कोई हवा या एयर ना रह जाए, वरना बहुत दिक्कत हो सकती है बाद में। और कहीं कुछ टेढ़ा ना रह जाए, वरना वो
बहुत दिक्कत परेशानी वाली बात आगे जाके हो जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान से आप भी लगाना, और भैया को भी बोल रहा हूँ कि आप बहुत ध्यान से लगाओ। तो गाइस अब हमारा ट्रैक्टर का मेन पार्ट यानी मेन स्टिकर लगने जा रहा है, वो है पावर ट्रैक 437। देखिए तो ये बहुत लंबा पट्टा है, इसको लगाना बहुत परेशानी वाली बात है, तो इसका वीडियो मैं अभी नहीं बना सकता क्योंकि मुझे भी लगाना है, अकेला भैया नहीं लगा सकता, फिर भी जितना हो सकता है उतना मैं आपको लगा के दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से हमारा काम हो रहा है। देखिए यहाँ पे फिलहाल भैया ने थोड़ा सा लगा दिया, क्योंकि गाइस इसमें एयर रह जाता है ना, जो एयर रहने के बाद जो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है ना, तो पूरा हमारा काम खराब हो जाता है, इसलिए इसको लगाना बहुत मेहनत वाला और बहुत ज़रूरी काम होता है गाइस। तो इसलिए फिलहाल लगा लेते, भैया लगा रहा है और मैं भी हो सके इतनी मैं उसके साथ उसको सपोर्ट कर रहा हूँ भी। तो घड़े आई से समझे ऊपर नहीं घड़ से हाँ ये घड़े ना ये प्रॉब्लम ऊपर का ही है। स्पेशल बोला मैंने स्पेशल बोला स्टिकर माटे कौन की जानिया ना तने कहता ठीक है कौन चल। वाओ गाइस बहुत बढ़िया तरीके से लग चुका है, और अब ट्रैक्टर का आगे से उठाव आ रहा है, नया ट्रैक्टर से भी अलग है क्योंकि हमने कलर का उसमें कुछ चेंज किया है, इसमें हमने मेटालिक कलर डाल दिया। तो देखिए गाइस इसका मेटालिक कलर किस तरह से होता है वो आपको दिखाता हूँ मैं फिलहाल, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा। वाओ तो गाइस जब हमारा ट्रैक्टर कोई पुराना कह ही नहीं सकता कि पुराना होगा, ऐसा लग ही नहीं रहा है गाइस। तो देखिए गाइस इस तरीके से पूरा इसका इंस्टॉलेशन हो गया है, इसको कुछ भी करके हटाओ, इसको हटाओ, ये रह गया। ऊपर निकालो ऐसे थोड़ा थोड़ा नीचे ऊपर लेके जाओ, वो है दीदी के पास है ना। तो गाइस देखिए इस तरीके से कुछ हमारा काम हो चुका है रेडी, और रेडी तो क्या लेकिन बहुत बढ़िया सा काम हो चुका है गाइस, बहुत बढ़िया सा। तो गाइस अभी इसका करते हैं अनबॉक्सिंग। वाओ जैसे हमारे फोन का अनबॉक्सिंग होता है ना गाइस, इस तरीके से स्टिकर का अनबॉक्सिंग हो रहा है। वाओ
कुछ अलग ही सीन है गाइज। देखिए गाइज ये हमारे हाथ में, और इसको जब हम हाथ लगाते हैं ना गाइज, वाह तो गाइज अब आगे का स्टिकर ले लेते हैं। आगे का भी पावर ट्रैक का साइड का है यहाँ का, तो अब इसको लगा लेते हैं। और इसका आगे से कुछ ऐसा लुक हो चुका है फिलहाल, एकदम बढ़िया। दोस्तों मैं किसान हूँ, तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। प्लीज एक सब्सक्राइब तो बनता है।